तो जियो के बाद अब एयरटेल ने भी अपने सारे प्लान की रिचार्ज रेट बढ़ा दिए हैं और पोस्टपेड के भी बढ़ाए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एयरटेल के सारे नए प्लान बताऊंगा, अनलिमिटेड 5G आपको कौन कौन से प्लान में मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा। साथ ही में अगर आपने अभी तक जियो वाले प्लान की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के अंदर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। बट अभी हम बात करने वाले हैं एयरटेल के न्यू प्लान और इसके नए रूल्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे एयरटेल के नए प्लान के बारे में, कितना यहाँ पर रुपया बढ़ा है। उसके बाद जानेंगे इनके रूल्स के बारे में, किस में आपको 5G मिलेगा, उसमें क्या रूल है। फर्स्ट, अनलिमिटेड वॉइस प्लान, जो पहले 179 का था 28 डेज के लिए, जिसमें 2GB डेटा मिलता था, उसको बढ़ाकर 199 कर दिया गया है। 455 का 84 डेज के लिए 6GB मिलता था, इसको बढ़ाकर 509 रुपए कर दिया गया है। 1799 का जो पूरे एक साल के लिए था 24GB डेटा, इसको बढ़ाकर 1999 कर दिया गया है। अभी जानते हैं डेली डेटा यानी 28 डेज वाले प्लान्स के बारे में। 265 का जिसमें 1GB डे मिलता था, इसको बढ़ाकर 299 कर दिया गया है। 299 जिसमें 1.5GB डे मिलता था, इसको बढ़ाकर 349 कर दिया गया है। 359 जिसमें 2.5GB डे मिलता था, इसको बढ़ाकर 409 रुपए कर दिया गया है। और 399 जिसमें आपको 3GB डे मिलता था, इसको बढ़ाकर 449 रुपए कर दिया गया है। तो इनमें भी काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है और ये सब 28 डेज वाले प्लान थे। अभी जानते हैं 56 डेज वाले डेटा प्लान के बारे में। 479 का जिसमें 1.5GB डे मिलता था, इसको बढ़ाकर 579 कर दिया गया है। 549 जिसमें आपको 2GB डे मिलता था, इसको बढ़ाकर आप 649 कर दिया गया है। इन सभी के मैं आपको रूल भी बताऊंगा, बट अभी जानते हैं 84 डेज वाले प्लान के बारे में। 719 जिसमें आपको 1.5GB डे मिलता था, इसको बढ़ाकर 859 कर दिया गया है। 839 जिसमें आपको 84 डेज का मिलता था 2GB डे, इसको बढ़ाकर 979 कर दिया गया है। अभी जानते हैं 1 ईयर प्लान के बारे में। 2999 जिसमें आपको 2GB डे मिलता था, इसको बढ़ाकर 3599 कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको बड़े प्लान में मिलता है जो कि पूरे 500 रुपए का है, बाकी सभी में आपको काफी अच्छा डिफरेंस मिल जाता है, थोड़ा सा आपको जियो से भी कम मिलता है। अभी जानते हैं इसके डेटा एड ऑन प्लान के बारे में। 19 रुपए का 1 डे के लिए जो कि 1GB मिलता था, इसको बढ़ाकर 22 रुपए कर दिया गया है। 29 का जो कि 1 डे के लिए था 2GB मिलता था, इसको बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। और 65 का जो कि आपको प्लान वैलिडिटी के साथ मिलता था जिसमें 4GB था, इसको बढ़ाकर 77 कर दिया गया है। तो देखा जाए तो इसमें भी काफी बड़ा डिफरेंस है। अभी पोस्टपेड के अंदर भी काफी बड़ा बदलाव किया गया है। अभी जानते हैं पोस्टपेड के बारे में। 399 जिसमें आपको 4GB डेटा मिलता था, इसको बढ़ाकर 449 कर दिया गया है। 499 जिसमें आपको 75GB का डेटा मिलता था, इसको बढ़ाकर 549 कर दिया गया है। 599 जिसमें आपको 105GB का डेटा मिलता था, इसको बढ़ाकर 699 कर दिया गया है। 999 जिसमें आप 190GB डेटा मिलेगा, इसको बढ़ाकर 1199 कर दिया गया है। तो ये थे सारे प्रीपेड के और पोस्टपेड के प्लान जिसमें आपको 4G और 5G मिलता है। बट अभी से कुछ रूल्स और कंडीशन है और अनलिमिटेड 5G किस में मिलेगा ये भी उन्होंने बताया है। रूल कंडीशन में जो सबसे पहला रूल है, ये जो सारे प्लान है 3 जुलाई से लागू हो जाएंगे। 3 जुलाई को आपको देखने को मिलेंगे, अभी आपको ओल्ड वाले ही देखने को मिल रहे हैं। सेकंड, जो अनलिमिटेड 5G है ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये सिर्फ पुणे के अंदर मिलेगा, जिसमें आपको 2GB पर डे या फिर 2GB पर डे से ज्यादा का डेटा मिलता हो। अदरवाइज जो बाकी के प्लान है उन्हें में आपको लिमिटेड डेटा ही मिलेगा जितना उनके अंदर बताया गया है। बट अगर आपको अनलिमिटेड डेटा चाहिए तो वो 2GB पर डे या फिर इससे ऊपर के प्लान के साथ जाना पड़ेगा। सेम जियो ने ही किया है, अगर आप जियो का भी करवाते हैं तो आपको 2GB पर डे या फिर 2GB पर डे से ऊपर का चाहिए अगर आपको अनलिमिटेड डेटा चाहिए। अदरवाइज 5G तो आप यूज कर पाएंगे, स्पीड भी आएगी, बट वो लिमिटेड डेटा के साथ होने वाला है। अगर आपने अभी तक जियो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। बाकी वोडाफोन आइडिया ने भी अपने रेट बढ़ाती है, मैं इसके ऊपर भी काफी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। बाकी अब जिसके पोस्टपेड प्लान है इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं ताकि आप पूरा समझ पाए इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। बाकी आप कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं। लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।